है और हमारा गाड़ी लगभग ये देखिए पूरा लगभग लोड हो गया, थोड़ा सा पीछे बचा हुआ है। ये देखिए अपना त्रिपाल बांध के कंप्लीट हो चुके हैं, त्रिपाल बढ़िया से बांध दिए हैं, लेकिन फिर खोलना पड़ेगा। यही है हाँ हाँ भाई साहब, ये ड्राइवरों का झुंड है। और देखिए खाने पीने के लिए व्यवस्था में लग गए हैं, थोड़ी ही देर में इन लोग का खाना भी सब। राधे राधे दोस्तों, सुबह का भी 7:50 हो चुका है और हमारे एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। पिछला ब्लॉग में देखे थे कि पीतमपुर खाली करके आए थे गुजरात लोडिंग करने के लिए, तो लोडिंग करने के यही जगह पे आए हैं, सनाथा जगह का नाम है, यहीं से लोडिंग होगा। क्या होगा नहीं होगा अभी मालूम नहीं है, इतने गाड़ी रोड के किनारे दिए साइड में लगा और अंदर में बात करने जाते हैं। अभी कुछ यहाँ पे खुला नहीं है, सब कुछ बंद है, देख सकते हैं सुबह सुबह कोई उठा नहीं है, तो आते हैं कुछ देर के बाद यहाँ पे, यहीं पे लोडिंग होगा। क्या माल है भैया हमको बताया नहीं, बस जाओ पहले बताएंगे, देखते हैं। अभी सब कुछ बंद है, आते हैं 1-1.5 घंटे के बाद, अभी वहीं पर रुकते हैं और कुछ खाना पीना का व्यवस्था भी कर लेते हैं अपना, ताकि हम लोग पहुँच जाते हैं लोडिंग पे, तो ये हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कहीं कुछ का व्यवस्था कर लें, खाने पीने वाला, खाने पीने वाला व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद गाड़ी लोड हो बे करेगा यहाँ पे। तो चलिए अभी बाहर निकलते हैं, गाड़ी में देखते हैं। गाड़ी लगा के मतलब जहाँ अंदर में घुसा के गाड़ी खड़ा कर दिया, आए थोड़ा मार्केट तरफ सब्जी लेने के लिए, थी घर पहुँच सब्जी के और कोई अता पता है ही नहीं, अभी जाते हैं गाड़ी तरफ, ताकि सब छोटा मार्केट है यहाँ पर, सब्जी चलो मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा। चलिए चलते हैं वापस गाड़ी तरफ। जिस गोडाउन से लोड करना था वो गोडाउन पे इसी का गोडाउन है, लेकिन वहाँ पे लोड नहीं होगा यहाँ का माल हमारा, वहाँ से थोड़ा सा आगे आके देख सकते हैं इसके अंदर में गाड़ी लगा दिए हैं। छोटू बता होता मतलब पटरा वटर बीच खोल रहा है, सब कुछ तैयारी कर रहा है और अभी जा रहे हैं, लगता है लोडिंग पे लगाने के लिए गाड़ी, इसीलिए खोलने के लिए बोला गया है। तो चलिए गाड़ी को लगाते हैं लोडिंग पे। सुबह का 10 बज चुका है और हमारा गाड़ी लोडिंग पॉइंट पे भी लग गया है, हमारा गाड़ी लोडिंग स्टार्ट भी हो चुका है, लेकिन वहाँ पे वीडियो बनाने का नो अलाउ है। चलिए बहुत ज़्यादा प्लांट में होता है कि वीडियो बनाने का प्रोसेस नहीं होता है, तो देख सकते हैं लोडिंग पॉइंट पर अपना गाड़ी लगा हुआ है, गाड़ी पीछे लोड हो रहा है। चलिए जब तक लोड हो रहा है तब तक गाड़ी में बैठा रहते हैं, उसके बाद निकाल के त्रिपाल पर ढकेंगे। इनका एक बज चुका है और हमारा गाड़ी लगभग लोडिंग हो चुका है। ये देखिए पूरा लगभग लोड हो गया, थोड़ा सा पीछे बचा हुआ है, पर हमारा जब तक इधर क्वान्टिटी भी करता हो रहा है, लगभग खाना बना के रेडी कर चुका है। हमारा गाड़ी अभी लोड नहीं हो रहा है क्योंकि लंच का टाइम हो गया, 1 बज गया और अभी हम ब्रश व्रश करके कंप्लीट हुए हैं। खाना खाने का हमको मन नहीं कर रहा था, वजह यह था हम अच्छा दाल बनाया है, दाल भात भुंजिया नहीं रोटी चावल, अच्छा चावल बनाया है और हमको लगा कि रोटी और भुंजिया बनाया है, देखिए चावल भुंजिया और दाल यही आइटम बनाया है। चलिए पहले खाना खाते हैं, खाना निकाल के देखिए अपना चावल निकल चुका है, अब दाल निकालते भुंजिया, दाल लगता है कढ़ाई में बनाया है का, बताइए कितना टैलेंट है बंदा में, कढ़ाई में दाल बना दिया है। आप लोग कभी ऐसा बनाया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दाल निकाल दिया था, भुंजिया ले लेते हैं, भुंजिया ज़्यादा बना दिया है, चलिए निकल गया अपना खाना, अब खाना खाते हैं। खाना अपना निकल चुका है और खाना खाता हूँ भुंजिया, ठीक है रात को भुंजिया बनाया था उसमें थोड़ा नमक ज़्यादा डाल दिया था, अब देखते हैं दाल को ट्राई करते हैं कैसा बना है। अच्छा बना खाना, शानदार होने लगा था, मस्त खाना। हमारा जो लोडिंग है वो दिन का 4 बजने वाला है लगभग, और अभी थोड़ा धूप कम हुआ है, धूप थोड़ा ज्यादा हो गया था क्योंकि लोडिंग तो हमारा 2:30 बजे कंप्लीट हो चुका था, तो गाड़ी को लोडिंग पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ा के साइड में गाड़ी लगा दिए थे, और धूप अभी देख सकते हैं हल्का हल्का डाउन हुआ है, तो अभी जा रहे हैं त्रिपाल मारने के लिए, ये देख सकते हैं लोडिंग पॉइंट से बाहर निकल के गाड़ी को खड़ा कर देते हैं, जाते हैं फिर त्रिपाल को ढकते हैं। इस बार जो हमारा है त्रिपाल ढकना इतना आसान होने वाला नहीं है, देख सकते हैं माल के ऊपर दिए हैं त्रिपाल डाल,
थोड़ा ऐसा सेफ्टी रहेगा, उसका माल लेंगे तो उसमें कोई में ना हो, इसीलिए ये काम हम कर चुके हैं। अभी जा रहे हैं, इसमें जाली मारना पड़ेगा। दिक्कत ये है तो भी देखिए छोटू पाइप डाल रहा है, उसके बाद जाली मार के उसके बाद तिरपाल को ढकेंगे। डबल तिरपाल देगा सिंगल? डबल तिरपाल के सिंगल देंगे? सिंगल, चलो ठीक। जाली हम मार चुके हैं और बहुत ज्यादा अभी भी गर्मी लग रहा है, पूरा पसीना हो रहा है, देख सकते हैं। जाली मार के तिरपाल को ढका जा रहा है, छोटू भी खींच रहा है, फिर इसको पसार के उसके बाद रस्सा मार देंगे। तो गर्मी में ये चीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है गर्मी में। बस करो, ये देखिए अपना तिरपाल बांध के कम्प्लीट हो चुके हैं। तिरपाल बढ़िया से बांध दिए हैं, लेकिन फिर खोलना पड़ेगा, यही है। अब बस सिर्फ पेपर का इंतजार है, पेपर मिलेगा उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे अहमदाबाद और उधर खाना पीना की व्यवस्था करेंगे। तिरपाल बांधने में बहुत ज्यादा गर्मी था, इसलिए पसीना बह रहा था, इसलिए गए थे स्नान करने के लिए। अभी स्नान करके अभी तुरंत आए गाड़ी पे। शाम के 5:50 हो चुका है, मतलब 6 बजने वाला है, और पेपर हमारा मिल चुका है यहाँ का। तो अभी पेपर में थोड़ा नंबर चेक कर लेते हैं, गाड़ी नंबर, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। ये रहा गाड़ी नंबर JH 1243। गाड़ी नंबर अपना टकाटक है, अब यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ का गेट से भी निकलने जा रहे हैं और चलते हैं अहमदाबाद तरफ के लिए। तो यहाँ से निकल के हमको मारना लैब। ये रहा अहमदाबाद रोड और मरदाता मोल, बाया जो है अहमदाबाद गया हुआ। और अभी हम नड़ियाल के करीब में हैं, तो अभी यहाँ डीजल हम ले रहे हैं, डीजल हमारा समाप्त हो गया है। तो हम गाड़ी चला रहे थे तो कुछ ढक्कर ढक्कर की आवाज आ रहा था, तो हमारा टायर में लगता है कुछ प्रॉब्लम है, तो चेक करना पड़ेगा बढ़िया से। और हमारा खाना पीना जो है वो संजीत अभी ट्रांसपोर्ट पे है, तो संजीत वहाँ खाना हमारा बना दे रहा है, हम लोग बनाने की जरूरत नहीं। ये टायर के कारण हमारा लग रहा है दिक्कत कर रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, ऊपर नीचे जो खाया हुआ है ना, उसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देख सकते हैं इस पल जो है दूसरा रिंग में लगा दें, क्या कि इतना काम कराने के बावजूद भी एक और फायदा नहीं हुआ, ये तलिंगों को फायदा नहीं हुआ, तो टायर फिर भी उसी तरह चाट रहा है। तो कल दूसरा रिंग में लगा देंगे उसको, देखेंगे उस तरह ट्राई करके, ताकि अब तो बर्बादी हो गया। तो ये संजय खाना बना ही दे रहा है, हम लोग खाना बनाने की जरूरत पड़ेगा। डीजल लेना स्टार्ट हो चुका है, देखिए डीजल जा रहा है अपने, डीजल डाल के यहाँ से निकल चुके हैं। और यहाँ से ज्यादा दूर बचा नहीं है अफलाली, जहाँ ट्रांसपोर्ट पे जहाँ लोड होगा हमारा ऊपर वाला माल, यहाँ से लगभग 35 से 40 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा मोटा मोटी लगेगा। तो वहाँ पहुँचते हैं और खाना में खाने खा के एक आज रात को वहीं आराम करेंगे, फिर चलते तो हमारा ट्रिप का स्टार्ट हो जाएगा। रात के 9:30 बज चुका है और हमारा ट्रांसपोर्ट में आगमन हो चुका है। हाँ भाई साहब, ये ड्राइवरों का झुंड है, और देखिए खाने पीने के लिए व्यवस्था में लग गए हैं। थोड़ी ही देर में इन लोग का खाना भी समाप्त होने वाला है। भाई साहब ये कोई गल नहीं है, ड्राइवरों का जिंदगी यही है, चला तो रेल में, नहीं तो जेल में, नहीं तो जेल में। खाते रहो खाते रहो, कमाते रहो, पेट भरते रहो। नागो ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। ये UGC स्टेट बाय झारखंड करियर, झारखंड का रहने वाला है। रात का 11:30 बज चुका है और फाइनली हमारा खाना पीना सब कुछ कंप्लीट हो गया, सब कुछ साथ में खाना खाया था, बहुत सारे लोग थे। तो देख सकते हैं गाड़ी लगा है यहाँ पे और बहुत सारा गाड़ी है लगभग। चलिए हमारा गाड़ी लोड हो गया, बाकी जो हमसे आगे भी आया था उसका भी लोड नहीं हुआ था, क्या हमारा उधर से लोडिंग था इसलिए लोड हो गया, नहीं तो यहाँ आते तो हमारा लोड नहीं होता। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और जो पर सामान लाया था यूपी वाला भाई को उसका सामान भी कल सुबह दे देना है।
तो इस ब्लॉग को हम यही पिन देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ताकि ब्लॉग में आप लोगों को देखने मिलेगा नेक्स्ट लोडिंग कहाँ का होता है। सो इस ब्लॉग को यही पिन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय हिंद और जय भारत।